69 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे दिल्ली की जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे देश के पहलवान जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं, संघर्ष किया है और आज आखिरकार इन पहलवानों को क्यों वो सम्मान नहीं दिया जा रहा, वो सुरक्षा नहीं दी जा रही। जिस तरीके का रवैया परसों देर रात दिल्ली पुलिस का इन पहलवानों को लेकर देखने के लिए मिला, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार क्यों ये पहलवान देश के लिए इतनी मेहनत करते हैं, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, देश के लिए मेडल लाते हैं। जब मेडल जीतकर ये पहलवान ये खिलाड़ी आते हैं तब इनकी तारीफ के लिए यही नेता जो आज चुप्पी साधे हुए हैं इतने बड़े बड़े बयान देते हैं। जिस तरह से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज भारत देश में महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें दर्जा दिया जा रहा है देवी का, लेकिन आखिरकार आज क्यों इन महिला खिलाड़ियों के दर्द को सरकार समझ नहीं पा रही। सवाल ये उठ रहा है कि प्रदर्शन करना तो आम नागरिक का हक है, फिर आखिरकार इन्हें प्रदर्शन भी क्यों नहीं करने दिया जा रहा। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के साथ मारपीट की, इस दौरान देखने को मिला कि रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली विनेश फोगाट के भाई को काफी ज्यादा गंभीर चोट लग गई। अब ऐसे में अगर यहाँ पर बात करें तो बजरंग पुनिया का एक बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दिए कि बजरंग पुनिया ने एक भावुक ट्वीट कर लोगों से समर्थन मांगा है। जब उन्हें सरकार से समर्थन नहीं मिल रहा तो अब आखिरकार बजरंग पुनिया ने आम जनता की तरफ अपना रुख किया और उनसे समर्थन मांगा। आपको बता दें कि ट्वीट में बजरंग पुनिया लिखते हैं, हम देश के गर्व के लिए लड़ते हैं, आज हम विजेताओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हमारा समर्थन करें। इसके साथ ही बजरंग पुनिया ने एक वीडियो भी शेयर किया है। इसके साथ ही इस वीडियो में उन्होंने धरने पर बैठे उन तमाम सभी पहलवानों के संघर्ष को दिखाया और वो खास लम्हा जब इन पहलवानों को मेडल से नवाजा गया था, जब इनकी तारीफों के पुल बांधते हुए ये नेता नजर आ रहे थे, लेकिन आखिरकार आज क्यों सरकार खामोश है। वहीं दूसरी ओर ब्रजभूषण शरण सिंह, जी हां, WFI के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार ये पहलवान कर रहे हैं, लेकिन सरकार की खामोशी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सरकार किसी भी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए मूड में नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि अभी तक एक भी भाजपाई नेता का पहलवानों के प्रदर्शन पर किसी भी तरह का ना तो कोई बयान सामने आया है और ना ही ट्वीट सामने आया है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कितना इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा पहलवानों को अपनी इस मांग के लिए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही उन्हें कहीं ना कहीं हताश कर चुका है, अब हाई कोर्ट की तरफ जल्द ही ये पहलवान रुख करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही, बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।